सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इवनिंग का टाइम है और एक्चुअली मैं दो दिन से गया हुआ था गुजरात, तो दो दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो अब बाइक मैंने चलाई, तो नहीं चलाने से पहले मैंने सोच लिया कि अब थोड़ी देर इसकी केयर कर लेते, और ये व्लॉग भी मेरा कोई डालने का मन नहीं था, लेकिन मैंने बोला ये व्लॉग आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये व्लॉग में मैं कैसे चेन क्लीन कर रहा हूँ और फिर ल्यूब कर रहा हूँ, और फिर मेरा ये भी हिल गया है वो भी टाइट कराना है, और सीट कॉल निकाल के मेरी सीट भी ऐड करनी है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और मैं और मेरे फ्रेंड जाने वाले मेरी बाइक पे। तो आज बहुत सारा गाड़ी का काम है, तो आज किधर राइड या फिर कोई नॉर्मल जगह पे घूमने जाएंगे नहीं, और हम जाएंगे डायरेक्ट पिंटू के गैरेज पे। ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और फटाफट जो बाइक का अपन चेन क्लीन करते और फिर ल्यूब करते, इसको टाइट करते, और मेरा मिरर भी लगाने का था लेकिन वो मेरे फ्रेंड के पास पड़ा है, तो वो बाद में करेंगे अपन। तो फटाफट आज का काम करते हैं, और कैसे मैं अपनी चेन क्लीन और ल्यूब करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। बाकी दो दिन से अपनी गाड़ी चलाई नहीं, तो आज ऐसा लग रहा है फुल थ्रॉटल थोड़ा चलाऊं, लेकिन बारिश का टाइम भी है और इतनी ट्रैफिक में चलाना सही भी नहीं रहेगा। तो देखते हैं आज इसको रात को निकालेंगे तो वो वाला व्लॉग भी बना लेंगे। इसको जब भी चलाता हूँ दो तीन दिन के बाद तो इतनी मज़ा आती है और इतनी पावर फील होती है ना इसकी। तो आ गए हैं अपन पिंडू के गैरेज पे, और बता दो चेन की आपको जो हालत हुई हो, ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है सड़कें खराब ही हो जाएगी। तो सबसे पहले खोलने पड़ेगी चेन क्लीन के लिए 1 2 3 बोल्ट। तो फाइनली सीट भी अपन ने फिट कर दिए, तो अब बार ये चेन की तो फटाफट वो भी काम कर देते हैं। जो मतलब मेरा सीट कॉल है वो एकदम प्लग एंड प्ले, मतलब डायरेक्ट ये वाले स्क्रू पे ही रहता है पूरा, ये वाले स्क्रू से डायरेक्ट सीट निकल जाएगी और दोनों ऊपर के स्क्रू से सीट कॉल वापस लग जाएगा, तो इतना मगजमारी होता नहीं है। तो वो काम तो हो गया अपने से फटाफट, चलो बाकी का काम करते। तो ये आगे का भी खोल लिया अपन ने, और अपने को ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रश और मोटुल का C1 मतलब चेन क्लीन। तो चलो पहले चेन क्लीन मारते और इसको क्लीन करते थोड़ा। और अभी करेंगे इसको ब्रश से साफ एकदम मस्त वाला। से गंदा हुआ है वो इधर। तो चेन ल्यूब से इतनी तो क्लीन हुई नहीं, तो अभी अपन लेंगे पेट्रोल, और इसमें मैंने थोड़ा इधर होल किया है, तो ये होल से देखो। चलो तो इसको साफ करते हैं थोड़ा थोड़ा, इधर भी लगा देता हूँ। तो पेट्रोल से चेन तो क्लीन कर दिया अपन ने, और अब करेंगे इसकी वॉशिंग।
कैसा लग रहा है। और ये काम करने के बाद हाथ की हालत अपने, तो वो चेन क्लीन करके फिट कर दिया था अपने, और अब इस पे मारेंगे C2 चेन ल्यूब और फिर थोड़ा चेन टाइट करके हो गया। नहीं रे नहीं लूगा, बस बस। तो अपना जो सब काम हो चुका है, ये भी टाइट हो गया है, सीट कॉल से सीट डाल दी अपन ने और चेन भी एकदम मस्त क्लीन करके ल्यूब कर दिए। चल पिंडो, थैंक यू भाई। और जो स्मूथ हो गई है ना गाड़ी अभी, और क्या एकदम परफेक्टली गियर गिर रहे, और एक भी साउंड नहीं आ रहा अभी चेन में से, क्योंकि पहले थोड़ा टिक टिक आवाज़ आ रहा था चेन में से। तो ये अच्छा किया कि आज मैंने टाइम निकाला और मैंने अपनी थोड़ी बाइक पे भी ध्यान दे दिया, क्योंकि हर रोज़ इधर उधर घूमने से अच्छा एक दिन थोड़ा अपनी बाइक पर भी ध्यान देंगे तो अपनी बाइक भी अपने पर ध्यान देगी फिर। और 500 से 700 किलोमीटर के अंदर आपको चेन क्लीन करके ल्यूब करना चाहिए, तो ये आपकी चेन बराबर रहेगी, वरना चेन स्पॉकेट ख़राब होने के भी चांसेस रहते। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही चला दी थी ये टाइम पे, क्योंकि मालसेज घाट राइड मारा था और दो तीन राइड इधर उधर मार ली थी, तो कम से कम मेरी 700 तो पार कर ही गई थी गाड़ी। तो अच्छा है आज अपने को टाइम मिला और मैंने सोचा आज ब्लॉग भी बना लूँ। तो चलो, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलो मिलते हैं ऐसे वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।